So in this video, we are going to discuss the various types of entity. So the first entity is your strong entity. So what is a strong entity? It is not dependent on any other entity in the schema. Strong से आप क्या समझते हो, है ना? जैसे आप आपके घर में एक मेंबर हो जो कमाता हो और आपकी सैलरी से आपका पूरा घर चलता है ना? तो आप उस टाइम पे क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे. और आपके घर वाले जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, तो वो हो जाएंगे क्या? वीक एंटिटी. तो ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से आप समझिए. स्ट्रांग मतलब जो किसी भी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. स्ट्रांग एंटिटी विल ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की. तो आपके पास अपना एक प्राइमरी की होगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल एंड द रिलेशनशिप ऑफ टू स्ट्रांग एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डायमंड. तो ये हमारा अगर कोई स्ट्रांग एंटिटी है तो आप इसमें जो प्राइमरी की बनेगा इसमें प्राइमरी की भी बनेगा और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिंगल रेक्टेंगल से. वहीं पे अगर वीक एंटिटी की बात करें तो ये डिपेंडेंट होगा किस पे? स्ट्रांग एंटिटी पे, टू इंश्योर इट एग्जिस्टेंस. जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट, अगर वो बहुत बूढ़े हैं तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अस. तो अनलाइक स्ट्रांग एंटिटी, अ वीक एंटिटी डज नॉट हैव प्राइमरी की. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लेता है. वीक एंटिटी का अपना प्राइमरी की नहीं होगा, इसके पास एक डिस्क्रिमिनेटर की होगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है. जैसे आप बोल रहे हो डिपेंडेंट का आईडी, तो ये किस पे डिपेंडेंट हो गया? जो आपका स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की है उस पे. वीक एंटिटी को आप डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं. और अगर कोई वीक एंटिटी है तो उसका यहाँ पे क्या होगा? ये आपके आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप से, जो कि डबल डायमंड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, है ना? बिकॉज इसको आइडेंटिफाई होने के लिए किसी एक स्ट्रांग एंटिटी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट स्ट्रांग एंटिटी, वीक एंटिटी. दोनों का डिफरेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फिर भी आपको सिंबल्स याद होने चाहिए और दोनों में इसका डिफरेंस याद होना चाहिए. हर एक पॉइंट का अपना एक मीनिंग है ना? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. मैंने बोला इसका प्राइमरी की है, इसका प्राइमरी की नहीं बनता, इसका एक पार्शियल की बनता है जिसका नाम डिस्क्रिमिनेटर है. अगर कोई स्ट्रांग एंटिटी है तो वो डायमंड से रिलेटेड होगा, अगर कोई वीक एंटिटी है तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप से वो अटैच्ड होगा, उनके बीच में ये रिलेशनशिप होगा. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे व्हेन यू आर लर्निंग टाइप्स ऑफ एंटिटी. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.